आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम करने वाले हैं लाइट एडिटिंग, वो भी पिक्सआर्ट पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्पेशली दिवाली के लिए ही नहीं है, बल्कि नॉर्मल डेज पर भी आप एडिट करके डाल सकते हैं। और इस वीडियो से पहले एक और ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हूँ जिसमें स्नैपसीड पे एडिटिंग है। यार मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ने मैसेज किया कि आप पिक्सआर्ट पे भी ट्यूटोरियल बनाया, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही लेता हूँ। पहले टूल्स में जाना है और इस ऑप्शन में जाना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है जिसमें हमको ब्राइटनेस मिल जाए, लेकिन आपको इसमें इरेजर का यूज करना है और आपके स्क्रीन को छोड़कर बाकी सबको इरेज करते जाना है। इससे हमारा फोटो डार्क हो जाएगा और फोटो ऐसे लगेगा कि थोड़ा इवनिंग में हम क्लिक किए थे। तो इसको डन कर देते हैं और आपको फिर से जाना है टूल्स में और अब जाना है आपको एडजस्ट में और इसमें आपको ब्राइटनेस वगैरह को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ब्राइटनेस, सेचुरेशन एंड शैडोज को आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है, इसमें आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इस ऑप्शन में आप अपने फेवरेट कलर को ही चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने येलो चूज करूंगा, येलो पिंक, मतलब मैंने माइनस कर दिया तो वो थोड़ा अलग कलर मिल गया। और उसके बाद आपको इस इरेजर को यूज करना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसमें ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसके बाद आपको शेडो हाईलाइट को अपने हिसाब से ही कम ज़्यादा कर लेनी है। इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको जाना है इफेक्ट में और इसमें आपको डायरेक्ट सर्च करना है, मतलब राइट व्हील करके आपको लूमो नाम का इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसी को ही सेलेक्ट करना है। तो सिंपली इस फिल्टर को प्रेस करें और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको यहाँ जो विग्नेट देखने को मिल रहा है उसी को बढ़ा देना है और बाकी चीज़ों को कम कर देना और फैट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। सिंपली इस ऑप्शन को फिर से चूज करना है और सिंपली इस ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करना है। देन आपको इस ब्रश को सेलेक्ट करके जहाँ मिस्टेक हुआ है वहाँ आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरा हेयर पर हुआ है, यहाँ मैं यूज करूंगा। देन इसे अब करते हैं डन। इस लाइटिंग वगैरह का काम हो चुकी है और अब हमें ऐड करना है पीएनजी को, जो लाइट वगैरह पीएनजी है उसे ऐड करना है। तो सिंपली आपको जाना है अब ऐड फोटो में और अपने पीएनजी को ऐड करते जाना है। अगर आप ये पीएनजी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो एक क्लिक करके, आपको वहां कुछ नहीं करना है। आप अपने फोटो के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको इस प्लस वाले आइकन में जाना है और ऐड फोटो में फिर जाना है, फिर इसमें आपको पीएनजी को फिर से ऐड करते जाना है। तो सेम प्रोसेस आपको करना है, जितना आप चाहो उतना पीएनजी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से एडजस्ट करके आपको इस इरेजर वाले ऑप्शन में जाना है। मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे हमें रियलिटी लुक दिखे। गाइस आप जितना चाहो उतना पीएनजी ऐड कर सकते हो, बस इसमें आपको अपना दिमाग लगाते जाना है, जितना दिमाग लगाओगे उतना आपका फोटो क्रिएटिव दिखेगी। गाइस अब हमें करना है दूसरा पीएनजी को ऐड, लेकिन दूसरा पीएनजी को ऐड करने के लिए भी आपको सेम ही प्रोसेस करना है। आपको इस ऑप्शन में जाके सिंपली ऐड फोटो में जाना है और इस बोके लाइट वाली को ऐड कर देना है और इसे अच्छे से अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है और इरेज का यूज करके थोड़ा सा इरेज कर लें जहां आपको लगे। इस ब्लैक बैकग्राउंड को हटाने के लिए आपको ब्लेंड में जाना है और इसको स्क्रीन ऑप्शन कर देना है। इसे भी मैं अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ और आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर सकते हो। एक और लाइट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। देन जितने पीएनजी थे वो हो जाएंगे और अब हम करेंगे कलर करेक्शन। मैं इसे जल्दी ऐड कर लेता हूँ और ब्लेंड में जाके सिंपली स्क्रीन मोड कर देता हूँ। ये सारी पीएनजी ऐड हो चुकी है और अब हमें करना है इसे सेव। सेव करने के लिए आपको सिंपली इस ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है, देन आपको इस ऑप्शन में जाके सेव इमेज में जाना है। आपको एडोब लाइटरूम सीसी को ओपन कर लेनी है और आपको फोटो को इम्पोर्ट करनी है, तो इस ऑप्शन में जाके फोटो को इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो मैं कर चुका हूँ। आपको इस ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट एंड शैडो को थोड़ा बढ़ा देना अपने फोटो के हिसाब से अगर आपकी पिक में जरूरत पड़े। देन आपको इस ऑप्शन में जाना है और मिक्स में जाना है। देन आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेनी है और इसको थोड़ा सा बढ़ाकर सेचुरेशन को कम कर देना है और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देना है या एचयूवी को आप कम भी कर सकते हैं, आप अपने फोटो के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेम प्रोसेस आपको सभी कलर में एक एक बार करना है। सिंपली तीनों चीज़ें को कम ज़्यादा करके देखना, इसमें पता चल जाएगा कौन सा जरूरत है, मतलब कौन सा कलर जरूरत है।
सो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली डन कर देनी है और इस ऑप्शन में आ जाना है, और इसमें क्लैरिटी को बढ़ा देना है और विगनेट को कम कर देना है, और चाहो तो आप हाईलाइट को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, और साथ ही शार्पिंग, नॉइज रिडक्शन और कलर रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। सो कलर करेक्शन का काम हो गया है, अब इसे हमें करना है सेव। तो सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाना है और सेव टू डिवाइस में सेव कर देनी है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। लाइव फोटोशूट आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।